नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने हैं एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी के स्टॉक के बारे में, जहां पे कहीं ना कहीं ड्रीम रन चलता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। अगर आप देखेंगे आज के दिन भी क्लोजिंग हुई है 137 पे, 7.5% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया है। आज के दिन स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई लगाया 140 रुपए 20 पैसे का। इंट्राडे हाई भी 140 रुपए 20 पैसे का, 66 रुपए का इसका 52 वीक लो है। यानी कि कहीं ना कहीं आप निचले लेवल से देख रहे हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से यहाँ पे एक बहुत ही शानदार रिकवरी जो है वो देखने मिली है। जिस तरीके से अभी मार्केट में ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तेजी का माहौल है, ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। सारे छोटे मझोले जितने भी फाइनेंस, एनबीएफसी, बैंकिंग स्टॉक्स है, सभी में एक मोमेंटम बनने की जो तैयारी है वो हो रही है। और अब कहीं ना कहीं ये भी स्टॉक जो है वहां पे पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई दिया। लगभग 6 करोड़ 34 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले। सुबह से ही जहां से स्टॉक खुला वहीं से एक स्टॉक में एक तेजी बनती हुई दिखाई दी और दिन के ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके कहीं ना कहीं स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूएशन वाइज क्या ये स्टॉक जस्टिफाई होता है, तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा बुलिश है। ईपीएस जो है ऑलमोस्ट 6.5 रुपए के आसपास की है और 21 के पीई के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ सेक्टर पी ऑलमोस्ट 25 का है। तो एज कम्पेयर आप देखेंगे तो वहां से थोड़ा अभी भी एक गैप बचा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक में भी अगर आप देख रहे हैं तो 1.59 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है, जो कि एक ठीक ठाक वैल्यूएशन कहीं ना कहीं बताता है। मार्केट कैप है 34,000 करोड़ के आसपास। एलएनटी ग्रुप की कंपनी है तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे एक इसका फंडामेंटल होता हुआ दिखता है। 1.46 के आसपास की इसकी जो है डिविडेंड यील्ड है कहीं ना कहीं। और अब अगर हम बात करें इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, जहां पे रेवेन्यू, तो यहाँ पे आप अगर हम देखेंगे पिछले 4-5 साल से एक रेवेन्यू का नंबर तो आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगा। 12,000, 13,000, 14,000 करोड़ की रेंज में ही कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है वो होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ बोलते हैं कि हर साल जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में ग्रोथ आनी चाहिए, जैसा कि आपको बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलता है, एनबीएफसी स्टॉक में जो लीडिंग है, तो उसके मुकाबले यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आपको सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर आप देख रहे हैं, 2019 में जो 2,232 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 20 में गिर के 1,700 करोड़ हुआ, 21 में 948 करोड़ हुआ, 2022 में 850 करोड़ के आसपास का था और 2023 में 1,536 करोड़ का प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं 2020-2021 इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक देखने मिला, क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ पे सभी को डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पिछले 2023 की अगर हम बात करें तो 1,536 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 2022 की तुलना में एक अच्छा जंप था। कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी जो है एक पिकअप लेती हुई दिखाई दे रही है, चीजें बढ़ती हुई दिख रही है और उसका सीधा से इंपैक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है अब फिर से वापस ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। स्टॉक प्राइस की भी अगर हम बात करें तो ट्रैक पे आ रहा है। शेयर होल्डिंग भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है कंपनी के प्रमोटर्स की एक बड़ी हिस्सेदारी है, 66% के आसपास की, जो कि पिछले लगभग 4-5 क्वार्टर से आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट बनी हुई 66% के ऊपर। डेसिमल में कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं डेफिनेटली, लेकिन 66% के ऊपर ही जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बना के रखी है। एफआईएस की भी अगर हम बात करें, पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं तो एफआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि 6 से 7% के आसपास थी सेप्टेम्बर 2022 तक, वो दिसंबर में बढ़ के 11.35 के आसपास आती हुई दिखाई दी, जो कि यहाँ पे भी लगभग 4 से 5% जो एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डीआईएस की भी बात करें, डीआईएस ने भी अपने हिस्से धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाया। 4.5% था मार्च 2022 में, जो कि 6.5% के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च 2023 तक। तो कहने के एफआईएस, डीआईएस यहाँ पे बुलिश है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पे कोई प्लेजिंग देखने को नहीं मिल रही है। पब्लिक शेयर होल्डिंग डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, जो कि 22% के आसपास थी, जो कि घट के 16% के नीचे जाती हुई दिख रही है। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पे घटी है, लेकिन वो हिस्सा गया है बड़े इन्वेस्टर्स के पास, डीआईएस एफआईएस के पास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ बताता है, ना कि वीक हैंड्स बताता है। तो एक पॉजिटिव ही इसको माना जा सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में 28 मार्च के आसपास बॉटम लगा था, 80 रुपए के आसपास स्टॉक था उस टाइम पे, और उसके बाद से जो तेजी बन रही पूरे पिछले क्वार्टर में एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। और पिछले अगर आप देख रहे हैं महीने, जून के महीने में
तो जून के महीने में 100 रुपए के आसपास से स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखाई दी, और पिछले 3-4 दिनों में तो स्ट्रांग मोमेंटम और भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन जिस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला, इस वॉल्यूम के चक्कर में आपको यहाँ पे और भी बड़ी तेजी जो है बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 137 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो एक यूफोरिक माहौल जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप RSI पे भी देखेंगे तो 84-85 के आसपास RSI कामकाज करता हुआ दिख रहा है, और पिछले लगभग 3 महीने से अगर आप देखेंगे तो RSI अपर साइड में ही चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक पे बना हुआ है। 70 के RSI के ऊपर लगातार ये स्टॉक पिछले 2-2.5 महीनों से बना हुआ है और लगातार मोमेंटम चेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको 150 तक के भी टारगेट जो है देखने मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी पोजीशन नीचे की है और अगर आपको लगता है कि एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर किसी कारण से अगर कोई डिप देखने को मिले तो आप फिर वापस एंट्री लेने की सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टॉक जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में भागा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन स्टॉप लॉस के लिहाज से अगर आप देखेंगे 117-120 वो लेवल हो सकता है जिसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं करेक्शन गहरा सकती है। लेकिन क्या ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे स्टॉक और भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हिस्टोरिकली भी अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक कम से कम 200 रुपए तक जो है जा चुका है। 2018-2019 के अगर आप देखेंगे हाईस को तो ऑलमोस्ट 200-210 रुपए तक के हाइस थे, तो यहाँ पे अभी भी वो लेवल्स लगते हुए फिलहाल नहीं दिखाई दिए हैं। अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट उस लेवल पे देखने मिल रहा है जहाँ पे 2020 में फरवरी के महीने में एक तेज गिरावट होना चालू हुई थी, कहीं ना कहीं मार्केट एक क्रैश हुआ था 2020 का, उस लेवल के आसपास यहाँ पे स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। उस लेवल के थोड़े ही पार जाके स्टॉक कहीं ना कहीं क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, तो अब ये स्टॉक जो है उस लेवल को पार कर रहा है, तो बहुत लंबे समय के बाद लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उसके बाद ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बड़े टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम में रहा तो कहीं ना कहीं 150+ के भी टारगेट जो है और ऑलमोस्ट 200 रुपए तक के भी टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों महीनों में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की सलाह यहाँ पे है नहीं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक रिव्यू है जो स्टॉक प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है चार्ट पे, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें। क्योंकि जब कोई स्टॉक ब्लू स्काई जोन में जाने की कोशिश करता है तो फिर अपर साइड में टारगेट्स की आप बात नहीं कर सकते, और खासकर जब स्टॉक लास्ट मोमेंट में होता है, जब उसमें एक बहुत तेज तेजी आती है, तो उस टाइम आप समझ नहीं सकते कि वो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा या फिर कहाँ रुक सकता है। आप उसके टॉप पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपना बुक करते रहना चाहिए, जो कि एक सही स्ट्रेटेजी होती है कि एटलीस्ट आपका मूल वापस आ जाए और डेफिनेटली जो आपकी प्रॉफिट है आप उसको राइड करते रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली उसमें लगाने की कोशिश करें, ताकि अगर आपको कोई भी एक डेफिनेटली उल्टा मूवमेंट आ जाता है, अगर कभी भी मार्केट में किसी भी कारण से कोई क्रैश आने की कोशिश होती है, तो कम से कम आपका प्रॉफिट सेफ रहे। नहीं तो सारा प्रॉफिट देखने के बावजूद अगर आपको लॉस होता है तो फिर वो एक बहुत बेकार चीज होती है, जो कि कोई भी इन्वेस्टर लेना नहीं चाहता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।